जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और बता दें, बिना जिला सैनिक बोर्ड और बिना डीजीआर के अप्लाई करने का तरीका मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और काफी ज्यादा वैकेंसी है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है। बता दें कि जिला सैनिक बोर्ड, कई लोगों को कंप्लेन रहती है कि जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर में अप्लाई करने से जिला सैनिक बोर्ड को पता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। तो अब इस वीडियो में आपको ये कंफर्म है कि बिना जिला सैनिक बोर्ड के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो बताऊंगा। पहले तो मैं नोटिफिकेशन बता दूं, अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा। नोटिफिकेशन में है जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम, उसमें वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए टोटल वैकेंसियां हैं और वैकेंसी टोटल है 700 वैकेंसी हैं। 30 से 55 साल के भूतपूर्व सैनिक पैन इंडिया यानी कि ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी 700 से 900 रुपए पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट में अगर एक शिफ्ट में काम करेंगे तो 900-700 रुपए है। दो शिफ्ट में काम करेंगे यानी कि जब पेपर होता है तो दो शिफ्ट में पेपर होता है, एक सुबह का पेपर होता है, एक शाम का। अगर दोनों शिफ्ट में काम करेंगे तो 900 रुपए पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर एक शिफ्ट में काम करेंगे तो 700 रुपए पर डे मिलेगा। इसमें 10th पास भूतपूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा हुआ है लेकिन सेना की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैलिड है और भूतपूर्व सैनिक ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। अभी मैं नोटिफिकेशन में देख लेता हूँ कितना है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि अप्लाई करने का तरीका कई लोगों ने बोला था बताना। तो इसमें देख लेते हैं वैकेंसी पूरा, मैंने एक वीडियो बना भी दिया है कितनी वैकेंसी है वो आप देख लें, लेकिन मैं अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी बता देता हूँ। दिल्ली में 100 वैकेंसी हैं, नोएडा में 50 वैकेंसी हैं, गोरखपुर में 10 वैकेंसी हैं, लखनऊ में 40 वैकेंसी हैं, गोरखपुर में 20 और वैकेंसी हैं, हल्द्वानी में 10 वैकेंसी। ये सभी वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही है, ध्यान रखें। इसके बाद प्रयागराज में 10 वैकेंसी हैं, मुंबई में 25 वैकेंसी हैं, आसनसोल में 10 वैकेंसी हैं, कलकत्ता में 30 वैकेंसी हैं, अम्बाला में 25 वैकेंसी हैं। काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद हिसार में 25 वैकेंसी, कुरुक्षेत्र में 25 वैकेंसी, करनाल में 25 वैकेंसी है। इसके बाद शिमला में 35 वैकेंसी है, हमीरपुर में 25 वैकेंसी है, सोलन में, हिमाचल प्रदेश में 25 वैकेंसी, जम्मू में 25 वैकेंसी, श्रीनगर में 25 वैकेंसी, अमृतसर पंजाब में 25 वैकेंसी है, बठिंडा में 25 वैकेंसी, जालंधर में 25, लुधियाना में 25 और मोहाली में 25, पटियाला में 25। पंजाब में काफ़ी वैकेंसी हैं, भूतपूर्व सैनिक जरूर अप्लाई करें। अभी अप्लाई करने का मैंने लिंक भी आपको दे दिया है और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा। ये जो लिंक दिया है इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका वो खुल जाएगा जिसमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे वो भी बताऊंगा, ये खुल जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि पूरा इसमें डिटेल भरना है अपना। इसमें पहले फुल नेम भरना है, सबसे पहले में फुल नेम, इसके बाद मोबाइल नंबर भरना है, और इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना है, इसके बाद ईमेल आईडी भरनी है। ये चीज़ें भरने हैं आपको। एक साथ भरने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आप देखते जाएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो आपको ईमेल आईडी दी हुई है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। इसके बाद व्हाट इज योर हाइएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप 10th पास है तो वो लिख देना है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लिखना है। अगर आप सेना में 15 साल सर्विस की है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो आप इधर ग्रेजुएट डालें क्योंकि आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है आपके पास। इसके बाद उसकी अपलोड करना है, फोटो एक खींच के रखनी है, किसी भी फॉर्मेट में फोटो खींच ले उसको फोटो अपलोड करना है, जो आपने सर्टिफिकेट दिया मांगा, इसमें ग्रेजुएट दिया है, ग्रेजुएट 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट अपलोड करनी है। जो मार्कशीट आपको इसमें दिया है, आपने किया है कि 10th है तो 10th की ही लगाना है, नहीं तो ग्रेजुएशन दिया है तो ग्रेजुएशन की लगाना है, 12th है तो 12th की लगानी है, इसमें अपलोड करनी है, इधर से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आधार नंबर इधर डालना है, आधार नंबर की फोटो भी अपलोड करनी है, कई चीज़ें हैं अपलोड करने के लिए, आधार की फोटो कॉपी, फोटो खींच के रखें अपने मोबाइल पे। इसके बाद इसमें आधार कार्ड बैक साइड की फोटो यानी कि फ्रंट साइड की और बैक साइड दोनों फोटो आपको अपलोड करनी है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर नीचे दिया है, पैन कार्ड अपलोड करना है, उसकी फोटो भी अपलोड करनी है पैन कार्ड की। तो इधर ये जो आ रहा है इसमें फोटो अपलोड करने हैं, इसमें क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नीचे आएंगे,
नीचे आने के बाद आप देखेंगे 10th का मार्कशीट की फोटो अपलोड करनी है। 10th की मार्कशीट इसलिए अपलोड कराई जाती है क्योंकि इसमें बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ का आपको क्लियर हो जाता है, 10th की ही बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ मानी जाती है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जो आपने पहले से खींच के रखी है अपनी फोटो, मोबाइल पर खींच के रखे हैं फोटो पहले से, सिग्नेचर की फोटो, एक प्लेन पेपर में सिग्नेचर की फोटो खींच के रखें, इसके बाद इसमें अपलोड करें। इसके बाद मदर नेम इसमें डालना है, फादर नेम डालने हैं, तो ये दोनों नाम आपको डालना है, मदर नेम फादर नेम। इसके बाद मेंशन योर परमानेंट एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जरूरी है क्योंकि आप जिस एड्रेस, जो एड्रेस देंगे उसी एड्रेस के पास आसपास आपका लोकेशन दिया जाएगा नौकरी का। इसके बाद इसमें अपलोड सेकेंड एड्रेस प्रूफ, आपने जो सेकेंड एड्रेस प्रूफ डाला है उसकी एक फोटो खींच के अपलोड करनी है। चाहे इसमें पास क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिल, गैस का बिल, वाटर का बिल, बैंक का स्टेटमेंट, ये चीजें आप अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड आदि सभी अपलोड, कुछ भी चाहे एक कोई चीज अपलोड कर सकते हैं जो एड्रेस प्रूफ आपका हो। इसके बाद आप प्रोफेशन में क्या थे, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन इसमें क्लिक करना है, ध्यान रखें एक्स सर्विसमैन इधर क्लिक करना है, जब भी आप करते हैं तो एक्स सर्विसमैन में इसमें क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अभी आ जाएंगे, नीचे आएंगे प्रीव्यू, प्रीव्यू एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, आपको एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन का आपको पीपीओ भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा डिस्चार्ज बुक की फ्रंट पेज की फोटो खींच के आपने इसमें अपलोड कर देनी है। डिस्चार्ज बुक की फोटो अपलोड करनी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मांग रहा है, एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज बुक की फोटो अपलोड कर देनी है, तो इसमें ये अपलोड करना। नियर बाई सेंटर आपका कौन सा सेंटर है आप उसमें चूज कर सकते हैं, या इसमें नाम डाल सकते हैं, जिस जगह के हैं, लखनऊ के हैं, कानपुर के हैं, मेरठ के हैं, जहाँ के हैं वो अपना एड्रेस डाल देना है। जिस एड्रेस दिल्ली के हैं, अम्बाला के हैं, चंडीगढ़ के हैं, सिटी आप कौन सी सिटी में चाहते हैं वो सिटी इसमें सेलेक्ट कर देनी है। आप लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर सभी सिटी दी हुई है, आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पूरी सिटी आ जाएंगी, सागर, मुंबई, कलकत्ता, जो भी चाहे, जैसे कलकत्ता वाले इसमें कलकत्ता सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, जब नीचे और आ जाएंगे तो लास्ट में दो चीज और बच गई है उसको अपलोड करना है, बस इधर सिटी तक आपको करना है, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे इसके बाद आपको इसमें आ जाएगा कि इसमें आपने जो भरा है ये सही है कि नहीं है, ये आपको पूछेगा बाद में। जब नेक्स्ट करने के बाद ऐसे आपका डाटा सबमिट शो करने लगेगा, ये डाटा सबमिट, डाटा इंटर बाय यू सक्सेसफुली सबमिट, ऐसे आ जाएगा। तो इतना पूरा काम करना है, फोटो वोटो आपको अपलोड करनी है, पहले से खींच के रखनी है, तो इस तरह से ये फॉर्म भरना भरा जाएगा। जो टीसीएस की वैकेंसी है, ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आपने देखा होगा कई जगह पे आपने एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें एक्स सर्विसमैन ही मैक्सिमम आपको जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो एक्स सर्विसमैन ही रहते हैं। तो टीसीएस ने वैकेंसी निकाली हुई है, बिना जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कई लोग कमेंट करते थे कि जिला सैनिक बोर्ड में बड़ा दिक्कत आ रही है, वो जानते नहीं कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आप डायरेक्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसमें फॉर्म एक्सेप्ट होगा और जरूर कॉल किया जाता है, इतना ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में अगर कोई दिक्कत है फॉर्म भरने में तो उसका कमेंट करें, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।